श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा, इसी दिन हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म और इसी दिन महानिर्वाण। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टटोली हर जिले की नब्ज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रमिकों मजदूरों से की चर्चा। छह मई की रात चोरों ने मचाया उत्पात, लॉकडाउन में लॉक तोड़कर खंगाली तीन दुकानें। और लॉकडाउन का परिपालन कराने पुलिस को करनी पड़ रही है दौड़ भाग, हाथ जोड़ने से भी नहीं मान रहे कुछ लोग। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय चंद्रवंशी। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा पर्व पूरी भक्ति भावना के साथ मनाया गया। कोरोना संकट में टोटल लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। बुद्ध पूर्णिमा का यह पर्व सनातन धर्मावलंबियों के साथ बौद्ध धर्म के मानने वालों का मुख्य पर्व है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें परम तत्व का ज्ञान लब्ध हुआ और इसी दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। आज तथागत भगवान बुद्ध की जयंती समारोह का आयोजन संपूर्ण देश में हर्षोल्लास से अपने अपने घरों में मनाया जा रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्थानीय डॉक्टर आंबेडकर तिराहे पर भारतीय बौद्ध महासभा का प्रदेश सचिव होने के नाते मेरे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए तथागत भगवान बुद्ध के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया एवं बुद्ध वंदना कर तथागत भगवान बुद्ध की जयंती को मनाया गया। इस अवसर पर मैं देश के तमाम उपासक उपासिका एवं भीम सैनिकों को भगवान बुद्ध जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, नमो बुद्ध। सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान हर पल प्रदेश के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। हर संभव प्रयास जारी है कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। टोटल लॉकडाउन से और गरीब लाचार तबका किसी भी तरह परेशान ना हो, सीएम शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधे मजदूरों से श्रमिकों से बातचीत की। स्वसहायता समूह के सदस्यों से भी परिवेक्षण हेतु मैट का कार्य दिया जा रहा है। तो पूरे परिवार को खतरा होता है, गांव को खतरा होता है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी रखने की जरूरत है। वो सावधानी रखते हुए हम मनरेगा के माध्यम से मजदूरी करके जल संरक्षण जैसे काम करके प्रदेश का भला भी करें और रोजगार भी प्राप्त करें। अभी 20 से लेकर 26 अप्रैल तक जिन मजदूर भाई बहनों ने काम किया उनके खाते में मजदूरी पहुंच गई है। 15 दिन में एक बार मजदूरी का भुगतान खातों में होता है, खातों में पहुंचता जाएगा, रहेगी। कोई मजदूर भाई बहन बेरोजगार न रहे, जो चाहते हैं ऐसे सभी पात्र। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे भाई बहनों को रोजगार मिल रहा है,
मैं आपसे और आपके माध्यम से संकट का समय है और कई दिनों तक हो सकता आपको कोरोना के साथ ही जीना पड़े, वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे जो मनरेगा के ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे श्रमिक बंधु हैं उनके द्वारा क्या क्या गतिविधियाँ की जा रही हैं, किस तरीके से मनरेगा योजना के माध्यम से वर्तमान में कोरोना के संकट की घड़ी में रोजगार का सृजन हो रहा है और लोगों को उनकी मजदूरी की राशि भी मिल रही है, अब किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान ये जो बाहर से हमारे श्रमिक बंधु दूसरे राज्यों और जिलों से परेशानी काटते हुए यहाँ तक लौटे हैं, अब वो किस तरीके से काम करके अपनी आजीविका उत्पादित कर पा रहे हैं, सारे विषयों पर उन्होंने बात करी थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 जिले के श्रमिकों से बात करी थी, उसमें छिंदवाड़ा के दौलतखेड़ा के श्री हनुमान जी से भी उनकी बात हुई थी। तो हनुमान ने दौलतखेड़ा में जो चल रहे हैं निर्माण कार्य हैं, विशेष रूप से 3-4 तालाब का कार्य एक साथ चल रहा है, 400 से ज़्यादा मजदूर उनमें एक साथ काम कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा, खाद्यान्न की उपलब्धता, इन सारे विषयों पर बारीकी से कुछ चेष्टा की गई, कुछ पूछा गया, जिसका कि सभी श्रमिकों ने अपने हिसाब से उत्तर दिया। बेतरतीब बिना दूरदर्शिता के काम में पहले बुन फिर उधेड़ और बुन का क्रम शहर की नियति बन गया है। BSNL ने फोन सुविधा उपलब्ध कराई, हाईटेक होते संचार माध्यम के लिए केबल बिछाए गए थे और BSNL ही हर फोन में घंटी का बायस रहा और आज भी निजीकरण की सेटिंग के जमाने में भी BSNL बेहतर सेवाओं का नाम है। लेकिन इन दिनों वाटर सप्लाई पाइपलाइन का काम करने वाले जगह जगह खुदाई कर दूर संचार की लाइन्स को क्षति पहुंचा रहे हैं। सामंजस्य बनाकर देश की मेहनत की कमाई को जाया होने से बचाने के लिए SDO फोन्स और BSNL कॉन्ट्रैक्टर इंद्रजीत बैस ने स्थल पर पहुंचकर निर्माण एजेंसी से बात की। काम करना है तो पूछ के करना, पाइप नहीं करना चाहिए, बात खत्म। लेकिन क्या है कि गलत है ना, एक तो तुम काट रहे हो, ऊपर से हट रहे हो। काट रहे मतलब हम लोग थोड़ी सर जानबूझ के काट रहे हैं। अरे तो जानबूझ कैसे भी कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे ऐसा थोड़ी होता, कैसे नहीं कर सकते तुम यार? हम लोग क्या कर सकते हैं? आदमी को चाहिए यार कि घर में रहे, उसको फोन आना चाहिए, ये कोरोना का वैसे ही चल रहा है, नेट चाहिए आदमी को, सब है। तुमने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, एक इसमें 100 रहते हैं, एक 100 पेयर का 100 कनेक्शन है। हम भी कम्युनिकेशन करते हैं, काम कर रहे हैं, ये BSNL का जो काम चल रहा है, ये लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन वाले जो सीवर्स लाइन और अपना पाइप लाइन जो डाल रहे हैं पानी की, ये पूरे शहर में उन लोगों ने बगैर बताए खोदते हैं और पूरे शहर में अपने केबल काट डाला है BSNL का, जिसमें क्या है कि छोटे जो 100-100 पेयर के केबल हैं इसमें 100 कनेक्शन काम करते हैं और 100 नंबर एक साथ बंद होते हैं। वैसे ही आपको मालूम है कि कोरोना चल रहा है और उसमें आदमी को मनोरंजन के लिए टेलीफोन कहाँ से उनका फ़ोन आए उसके लिए सब फ़ोन बंद पड़े हैं और पूरे शहर में कहाँ तक इसको सुधारें हम, एक जगह नहीं कि चलो एक जगह सुधार दें, रोज़ हर 8-10 जगह इनका केबल कट रहा है और बगैर वक्ताए खोलते हैं। सभी ने बोल दिया है, SDO साहब ने, मैंने ही बोल दिया है, नंबर दे दिया हम लोगों ने कि जब भी आप कोई भी कहीं पे भी काम करें तो हमको सूचना देके करें। और ये क्या करते हैं कि केबल कट जाए तो उसको दबा भी देते हैं, जिससे कि हमको मिलते ही नहीं, कम से कम केबल कटे तो बता भी दें कि भाई यहाँ केबल कटा, तो हम उसको जुड़वा भी लें, वो भी नहीं है, तो हमारा ढूंढने में ही बहुत टाइम खत्म होता, बताते भी नहीं। काम किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? मैं SDO फोन्स BSNL, इधर ये काम जो चल रहा है नगर निगम के द्वारा, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, इसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, जो कि बिना किसी प्राथमिक इन्फॉर्मेशन के ये सब कहीं भी काम करना चालू कर देते हैं, ना कभी इन्फॉर्म करते हैं कहाँ कर रहे हैं, और शहर शहर में हर मोहल्ले में हर गली में ऐसा काम चल रहा है और इसमें BSNL के केबल के बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे भाई कोरोना के जो इमरजेंसी समय चल रहा है, अभी पब्लिक अपने घर पर रह के काम कर रही है, कई दूसरे शहरों से बड़े बड़े IT कंपनी में काम करने वाले बच्चे अपने घर आए हैं, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं और इस तरीके से ये लोग जो है लापरवाही पूर्वक काम करने के कारण केबल क्षति जो पहुँचाई जा रही है, उसमें इनके जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको बड़ी असुविधा हो रही है काम करने में,
और इसकी कोई क्षति, अभी क्या है कोरोना के समय में केबल अगर कटता है तो उसके जोड़ने के लिए सामान जो लगता है वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेबर भी बड़ी मुश्किल से अरेंज हो रहे हैं। तो मैं नगर निगम प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इन सभी को अभी इस काम के लिए अगर कुछ बंदे से लगा सकें तो लगा दें, अदरवाइज इनको कम से कम इतना इन्फॉर्म करें कि पहले इन्फॉर्म करें उसके बाद ही काम करें, जिससे कि हम यहाँ पर एक आदमी की पोस्टिंग कर दें और अपना काम देखते अपने सामने वो काम करवाए और इसके नुकसान को भरपाई कर पाएं। शहर में ऐसे कितनी जगह आपके केबल को इन्होंने नुकसान पहुँचाया? लगभग अभी कल सत्यम शिवम में ऐसा हुआ, परसों अपने फ्रेंड्स कॉलोनी खजरी चौक में, खजरी के पास जो है फ्रेंड्स कॉलोनी वहाँ पर भी यही हुआ, उसके पहले अपने परासी रोड LIC रोड पर LIC के पास, अभी एक अपने विवेकानंद कॉलोनी में यही है। अरे ऐसे शहर में हर जगह ऐसा काम कर रहे हैं जो बिना बताए काम करते हैं। एक जगह केबल अगर डैमेज होती है तो उसको कितना समय लगता है दोबारा शुरू करने? एक दिन से दो दिन का काम समय लग जाता है अगर, क्योंकि अभी क्या है एक जगह एक घंटे एक फॉल्ट अगर आता है तो चार घंटे एक जगह लगते हैं। अभी इन्होंने यहाँ विवेकानंद कॉलोनी में तीन जगह केबल काटा हुआ है, तीन जगह में आप समझ लीजिए कम से कम 12 घंटे का समय लगेगा हमको इसको रिस्टोर करने में। टोटल लॉकडाउन की फर्स्ट और सेकंड फेज में चोर भी घरों में ही थे, लेकिन तीसरे फेज में जहां सरकार ने कार्यालयों में सावधानी के साथ 30% कर्मचारियों की उपस्थिति रोस्टर बनाकर काम को हरी झंडी दी थी, तो शायद चोर भी काम पर लौट पड़े हैं। प्राइवेट बस स्टैंड के कॉम्प्लेक्स में तीन दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने दुकानों को जैसे खंगाल ही डाला। दुकानों के लॉक टूटे हुए जमीन पर डाउन थे तो शटर खुलकर ऊपर, एक दुकान में तो छत तोड़कर सेंधमारी की गई। लॉकडाउन का तीसरा फेज दारू की दुकानों के खुलने के साथ कई विभागों के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आया है। 200-300 रुपए आए होंगे, कलेक्शन ऑफिस HDFC बैंक का। अच्छा, अरे ये तो उसका ऑफिस नहीं है, उसका नाम उसको नहीं, कबाट इसलिए खोल के देखे होंगे, उन्होंने कुछ रखा होगा इसमें। ये सब तोड़ दिए ना, ये मशीनें हमारी बनी बनाई थी, ये सब तोड़ दिए हैं, ये टूटा है, पूरे कैमरे तोड़ के, ये कैमरा बहुत बड़ा है बॉक्स के अंदर। अबे तो ये वो जो इसने अन्य काम है, दुकानों की चोरी हुई है। ये राजीव गांधी बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इसमें हम लोगों का फर्टिलाइज़र का और मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, जिसमें मोबाइल की सारी मशीन, हमारा कंप्यूटर रखा हुआ है यहाँ पे, एक कंप्यूटर अंदर रखा हुआ था जिसकी चोरी हुई, और बाजू वाली दो दुकानों का और ताला टूटा, जिसमें से कोचिंग क्लास थी उसमें से भी सामान निकाल के ले जाने की कोशिश की उनने, पर बड़ा सामान था उनके पास, प्रिंटर और वो सब निकला नहीं उनका। और पीछे एक दुकान की चोरी हुई जिसमें कुछ उतना सामान नहीं था, तो मेरे ख्याल से कुछ उसका गया नहीं है। हमारा नुकसान बहुत किया उन लोगों ने, ऊपर पूरी POP तोड़ दिए हैं, नीचे हमारे कंप्यूटर्स टूटे हुए हैं, जो भी जितनी भी मशीन थी यहाँ वो सारा तोड़ के गए हैं। ये कब हुआ है इसकी तो हमको जानकारी नहीं है, कल हम आज सुबह इन्होंने दुकान खोली तब इसका पता चला। रुपये तो बहुत हैं भैया, मतलब करीब 80-90 हज़ार रुपये होंगे, क्योंकि तीन कंप्यूटर टूटे हैं और हमारे चारों पाँचों कैमरा टूटे हैं, DVR गायब है यहाँ से, वो DVR लेके गए हैं, और जितनी भी मोबाइल बनाने की जो छोटी छोटी बड़ी महंगी मशीन थी वो सब गायब। हेडसेट्स रखे हुए थे, रिपेयरिंग के कुछ सेट रखे हुए थे यहाँ पे, तो वो भी गायब है, जो मोबाइल सेट होता है वो रखा हुआ था यहाँ पे रिपेयरिंग के हेडसेट से। देखो मैं, हम तो 20-25 दिन से मिनिमम जब से लॉकडाउन हुआ तब से तो बाहर हैं, कोचिंग खोल ही नहीं रहे हैं, और मिनिमम
अभी जैसे हम सर ने कॉल किए, अरविंद भैया ने कॉल आया कि आपके यहाँ कोचिंग में चोरी हो गई करके, तो हमने आके देखा तो मिनिमम जो हमारा सामान था यहाँ से वो अलमारी का लॉक टूटा, अलमारी में कुछ बुक्स रखे थे और जो अपना प्रोजेक्टर रखा था, प्रोजेक्टर साथ घड़ी रखी थी वो निकल के बाहर आ गई और मिनिमम हमारा ज़्यादा तो नहीं 15,000 से 20,000 का नुकसान हुआ। एसपी ऑफिस पहुंचकर राहुल लहारे ने अपनी गुम हुई बहन को खोजे जाने की गुहार लगाई है। राहुल ने बहन के अचानक गुम होने पर अपनी आशंकाएं और डर भी जाहिर किया है। मेरी कज़िन सिस्टर सोनू वर्मा, सोनीमा वर्मा, जो कि 5 साल पहले शादी होकर जामई जुन्नार्दो में राजू खत्री पति लक्की खत्री की फैमिली में गई थी, अभी मुझे 3 दिन पहले पता चला कि वो लक्की खत्री ने फ़ोन किया कि बोले आपकी बहन यहाँ से गुम हो गई है। तो 2-3 तारीख की सुबह 5 बजे से वो लापता है, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इन दोनों के अक्सर झगड़े लड़ाई हुआ करते थे, पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो हमें बिना फ़ोन डेली फ़ोन करती थी हमें, लेकिन आज की डेट में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, कोई पता नहीं हो पा रहा। हमने थाने में भी पता करे, एसपी साहब के एसपी महोदय के पास भी आए हैं, अभी ऐसा लॉकडाउन के चलते ऐसी कोई मिल नहीं पा रही है कि वो कहाँ है। हम बहुत परेशान हैं, कृपया हमारी अग्रिम कार्रवाई की जाए। मैं चौरी में रहता हूँ, मेरी सिस्टर है, कज़िन सिस्टर है, बुआ जी की बेटी, वो यहाँ छिंदवाड़ा की रहने वाली है, लापता जुन्नार्दो थाने से, जुन्नार्दो क्षेत्र से। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान गरीब लाचार जरूरतमंदों के साथ मजबूर आमों खास के मुंह तक निवाला पहुंचाने का काम शहर की अंत्योदय रसोई ने किया है। आशुतोष डागा और साथी युवाओं की टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रशासन के सहयोग से शहर की इस एकीकृत रसोई ने रसोई का नाम सार्थक किया है। 45 दिनों तक अनवरत 3,000 से 4,000 तक भोजन पैकेट वितरित किए गए हैं। 3,000 भोजन पैकेट प्रतिदिन का औसत भी एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। भोजन बनाने वाले बेतहाशा गर्मी में भी मास्क, सैनिटाइजेशन और अन्य सावधानियों के साथ इतने दिनों से लगातार स्वादिष्ट भोजन बनाकर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अब बारी है सहयोग की और उन प्रयासों की, ताकि यह व्यवस्था लगातार कोरोना संकट के दौरान में भोजन सेवा को जारी रखा जा सके। शहर में टोटल लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में समाज सेवियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर कोई सेपरेट में फोटो खिंचवाकर छपास की भूख मिटा रहा था। आइए, अब मौका है अपने अंदर के समाज सेवी को जगाइए, सहयोग प्रदान करने का यह सुयोग्य सुअवसर है। Thank you.
दीनदयाल रसोई के माध्यम से हम इस विपत्ति काल में कोरोना संक्रमण के इस समय में जो बहुत ही कष्टकर समय है हम सभी के लिए पूरे समाज के लिए, इसमें कोशिश ये है कि जो भी हमारे ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है, भोजन नहीं है, उनको नियमित भोजन पहुँचाएँ हम दोनों समय। और ये प्रयास लगभग पिछले 46 दिन से चल रहा है, आज 47वां दिन है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से, काइंड सामग्री के सहयोग से हम पका हुआ भोजन एक अच्छे क्वालिटी के साथ लोगों तक पहुंचा सकें, और ये कोशिश लगातार जारी है। इस कोशिश में बहुत से लोग आगे आए, मैंने आपसे जैसा अनुरोध किया, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि छिंदवाड़ा शहर के संभ्रांत और समर्थ लोग इसमें आगे आएँ, हमें इस रसोई को चलाने में मदद करें, ताकि हम ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के घरों तक खाना पहुंचा पाएँ जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। दीनदयाल रसोई के माध्यम से अनवरत जो भोजन लोगों को कराने की व्यवस्था बनाई गई है वो अनवरत जारी है। आज लगभग 47वां दिन है और लगभग 9.25 लाख लोगों को हम लोगों ने आज तक यहाँ से भोजन उपलब्ध कराया है। आज नगर निगम आयुक्त श्री राजेश शाही साहब ने आज पूरा इसका और विस्तृत अवलोकन करके और इसमें कुछ सुधार किए हैं, उन सुधार के माध्यम से हमारे द्वारा अभी भी लोगों को भोजन की उपलब्धता कराई जा रही है। और मैं एक बार पुनः अपील करूंगा दानदाताओं से कि वे कृपया आगे आएं और इस व्यवस्था को चलाने में हमें सहयोग करें। तो उसके लिए मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आगे आके हमें सपोर्ट करें, साथ दें, जिससे हम लोगों को अच्छे से अच्छा भोजन और समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था बना सकें। धन्यवाद। शहर में कई व्यवस्थाओं पर एक साथ नजर रखने और निर्देश प्रदान करने की नई व्यवस्था बनाई गई है, सेंट्रल कंट्रोल साउंड सिस्टम यानी चोंगा व्यवस्था। लाउड स्पीकर से दूर तक कमांड और तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल का उदाहरण है। कोरोना वायरस के इस संकट के दौर में जिला प्रशासन को आए दिन कोई न कोई अनाउंसमेंट कराना पड़ता है, क्या क्या व्यवस्थाएं प्रतिबंधित रहेंगी, इस सब पे एक रोज अनाउंसमेंट की प्रक्रिया जारी है जो वाहनों के जरिए होता है। इसी क्रम में फिर ये सोचा गया कि क्यों न कोई ऐसी सेंट्रलाइज अनाउंसिंग सिस्टम बनाई जाए जिससे एक स्थान पर हम अनाउंस करें तो शहर में सभी प्रमुख स्थानों पर सुनाई पड़े। तो इसी क्रम में BSNL का जो नेटवर्क है उसकी मदद से शहर के लगभग 9-10 बड़े चौराहों पर जहां काफ़ी भीड़ होती है वहां पर माइक लगाए गए हैं, स्पीकर्स लगाए गए हैं, और उनके थ्रू हम पुलिस कंट्रोल रूम से और नगर निगम के कार्यालय से अगर हम कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो वो अनाउंसमेंट हम यहाँ से करते हैं जो शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर सुनाई देता है। तो इसमें कलेक्टर साहब और SP साहब का यही कुल मिला के निर्देश था कि ऐसी एक सुगम व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे हम लोगों तक जो जिला प्रशासन के निर्देश हैं, जो अपीलें हैं, जो आग्रह है वो पहुंचाया जा सके। तो इसी क्रम में फिर ये सेंट्रलाइज्ड अनाउंसिंग सिस्टम बनाया गया है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले में नगर निगम कमिश्नर परम आदरणीय श्री शाही जी के कुशल मार्गदर्शन में, छिंदवाड़ा SDM श्री अतुल सिंह जी के मार्गदर्शन में हमने हमारी संस्था प्रदीप डेकोरेशन के द्वारा मल्टी सिटी में भी ये व्यवस्थाएं नहीं है वो व्यवस्थाएं हमने छिंदवाड़ा में दूरसंचार विभाग के माध्यम से देने का प्रयास किया है।
यह एक सेंटर साउंड सिस्टम की व्यवस्था हमने हमारे नगर निगम कमिश्नर जी के माध्यम से हमने यह सेंटर साउंड सिस्टम व्यवस्था का निर्माण किया है। इस व्यवस्था के निर्माण में हमें तकरीबन 5 दिन लग गए हैं। इस सेंटर साउंड सिस्टम के माध्यम से हम छिंदवाड़ा के जो विभिन्न प्रमुख क्षेत्र है उनमें हम जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की आवाज़ उनके कार्यालय से ही उन स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। टोटल लॉकडाउन के तृतीय चरण में नियमों का परिपालन सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जरूरत की जरूरी चीजों के लिए दी गई मोहलत में भी कुछ मुनाफाखोर समझाइश नहीं मानते। बातों के भूत होते तो शायद मान भी जाते, लेकिन इधर तो आदत ही बुरी है। पुलिस की मोबाइल और अधिकारियों के साथ जवानों को दुकानें समय पर बंद कराने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अरे दादा ये बहुत परेशान करके रखे पुलिस को यार। मांग मातंग समाज ने टोटल लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न भीषण परिस्थितियों से अवगत कराते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी हैं। समस्या सर बैंड के जो कलाकार हैं अब जो हमारे अभी तक 2-3 बार आवेदन मुझे इसको कुछ सर्वाइंडिंग लार आ गया सर आवेदन देखे हमारे लोगों की आर्थिक रूप से मदद की जाए क्योंकि धंधा हमारा टोटल बजाने का उसके सिवा पूरा साल भर का हमारा सीजन चला गया और उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा था पूरे जिले को ये समस्या। आज कलेक्टर महोदय को मांग मांगवाते समाज जिला छिंदवाड़ा जो जिला छिंदवाड़ा के समस्त बैंड एसोसिएशन के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया जिसमें सारी समस्याओं से अवगत कराया गया है। समाज के समय लॉकडाउन में बहुत ही हालत दयनीय है, अब सब लोगों की स्थितियाँ खराब है, इसलिए शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान आकर्षित करवाया गया है। लॉकडाउन के कारण बैंड व्यवसाय बंद हो गया है जिससे लोग समस्याओं को लेकर के परेशान हैं और साथ साथ में समाज के परिवार के लोग भी परेशान हैं। इसलिए हम शासन से अपेक्षा है हमारी कि हमें अंतरिम राहत के रूप में समाज को आर्थिक सहायता प्रदान करें। बैंड एसोसिएशन का जो भी सीजन बंद हुआ है उससे कारीगरों को उनके संचालकों को अंतरिम राहत के रूप में कुछ सहायता प्रदान करें, शासन से ऐसी मांग की गई है। हमारी आशा है कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय
माननीय राज्यपाल महोदय इनको ज्ञापन सौंपा गया है। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करें और हमें राहत पहुँचाएँ। अगर हमें ऐसी परिस्थिति में अगर राहत नहीं पहुँचाते हैं तो हमें मजबूरन सारे ज़िले के समाज के लोगों को और जितने भी बैंड एसोसिएशन के लोग हैं ये सारे के सारे लोग मतलब लॉकडाउन के अंतर्गत अपना उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आशाराम गुरुकुल की साध्वी बहनों ने कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स का हौसला बढ़ाते हुए छाछ वितरित की। हम लोग छाछ वितरण कर रहे हैं। पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अपने मेडिकल वाले हैं, सेवा वाली जो कर रहे हैं सबको हम छाछ वितरण कर रहे हैं। कितनी गर्मी में वो लोग अपना दाव पे लगा करके जीवन को समाज की सेवा करें, हमारा भी कर्तव्य है कि उनकी थोड़ी हम सेवा कर लें। हम लोग संत श्री आशाराम जी गुरुकुल योग वेदांत सेवा समिति और गौशाला से हम लोग आए हैं और हर एक को छाछ पिला करके संतुष्ट करना चाहते हैं। जो भी हमें नियम सरकार द्वारा बताए गए एक एक का पालन करके हम इसका उपयोग कर रहे हैं और ये सेवा समाज की है, सब व्यक्ति के एक एक व्यक्ति की है, हर एक का कल्याण हो इस भाव से है। इस तो महामारी से हमारा भारत पूरा विश्व बाहर निकले ऐसी हम सर्वे भवंतु की भावना से इस कार्य को कर रहे हैं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा, इसी दिन हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म और इसी दिन महानिर्वाण। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टटोली, हर जिले की नब्ज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रमिकों मजदूरों से की चर्चा। मई की रात चोरों ने मचाया उत्पात, लॉकडाउन में लॉक तोड़कर खंगाली 3 दुकानें। और लॉकडाउन का परिपालन कराने पुलिस को करनी पड़ रही है दौड़ भाग, हाथ जोड़ने से भी नहीं मान रहे कुछ लोग। आज के संग में फिलहाल इतना ही, कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।